हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल क्योर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आप लोग अपने मोबाइल से ही जीवन प्रमाण पत्र को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल से आप लोग घर बैठे बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जो कि आजकल स्पर्श में लग रहा है या फिर किसी भी अलग जगह पर लग रहा है, तो आप सभी के लिए आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मेथड सेम होगा और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आप लोग बिना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस के भी अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी बायोमेट्रिक डिवाइस के, बिना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस के आप घर बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपना जो जीवन प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। और इसके बारे में अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आप लोग देखते जाइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। देखिए आपके मोबाइल में OTP आ जाएगी और यहाँ पर से अब आपको OTP एंटर कर लेना है। चलिए मेरे पास OTP आ चुकी है, मैं यहाँ पर से OTP एंटर कर लेता हूँ। और जैसे हम लोग OTP एंटर करेंगे उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे पास नया ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जो पूरा नाम है वो नाम हमें सही से एंटर कर देना है दोस्तों, बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से। इसके बाद में आप लोग को कौन सी पेंशन आती है, अगर आप लोग को आर्मी की पेंशन आती है और फैमिली की पेंशन है तो फैमिली पर क्लिक कर लीजिए। अब देख सकते हैं जैसे कि मेरे यहाँ पर से आर्मी की पेंशन आ रही है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से हम लोग ये देखिए क्या सेलेक्ट किया हमने, इलाहाबाद को सेलेक्ट करना है हमको। और इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी हमें इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। अभी देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ डिफेंस, तो यहाँ पर से हम लोग फर्स्ट में हमें डिफेंस PCDA सेलेक्ट करना है इलाहाबाद, और उसके बाद में फिर से हमें यहाँ पर स्पर्श सेलेक्ट करना है, और उसके नीचे जो है इसमें भी हमें स्पर्श PCDA को सेलेक्ट करना है। अब हमें PPO नंबर एंटर कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आप लोग का PPO नंबर आएगा, वो आएगा आपको स्पर्श का PPO नंबर आएगा। अगर आप लोग को अभी तक पता नहीं है कि आप लोग नया PPO नंबर कहाँ से निकालेंगे, तो आप लोग हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप लोग को नया PPO नंबर कहाँ से मिलेगा, स्पर्श का PPO नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें स्पर्श का PPO नंबर डालना है, पुराना PPO नंबर नहीं डालना, वरना आपकी पेंशन रुक जाएगी। अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर से एंटर कर दिया और अपना PPO नंबर भी एंटर कर दिया, अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यस का ऑप्शन आ जाएगा, हमें यस पर क्लिक करना है। फिर एक बार हमें नो पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग नो पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इसमें हमें टिक कर देना है और यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है। अब हम लोग जैसे ही स्कैन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमें फेस ऐप का ऑप्शन आ चुका है, और अभी देखिए हमारे यहाँ पर से फेस मैच करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर से फेस कैप्चर कर लेता हूँ, देख सकते हैं हमें इसमें आँखें बंद करनी है और खोलनी है, बाकी कैप्चर ऑटोमेटिक करेगा, इसमें कोई बटन नहीं है। और देख सकते हैं बिना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस के कैप्चर हो रहा है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए। देखिए अभी पहली बार में नहीं लिया, तो हमें दोबारा यहाँ पर से आंखें बंद करनी है और खोलनी है, और ऐसे ही हमें करते रहना है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, बिना किसी इसमें हम लोग बिना किसी मोर्फो डिवाइस, बिना किसी मंत्र डिवाइस के, बिना किसी बायोमेट्रिक डिवाइस के हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और अभी आपके सामने लाइव यहाँ पर दिखाऊँगा मैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर से सबमिटिंग चल रही है, और ये 2-3 बार फेल होता है क्योंकि इसमें पूरा आधार कार्ड में जो फोटो, उस फोटो से मैच करता है, लाइव फोटो कैप्चर होती है दोस्तों बिना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस के। तो देख सकते हैं अभी हमारा KYC नहीं बता रहा है, तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर से ट्राई कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी एक बार में निराश मत हुई, 2-3 बार आप लोग ट्राई करिए, आप लोग का भी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर से फिर से मैं स्कैन पर क्लिक करता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर से अच्छे से स्कैन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी ओल्ड एज हैं तो इनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे ही आप लोग भी ट्राई करेंगे, हो जाएगा। देखिए इनकी आंखें बंद करनी है और खोलनी है ऐसे, और ऐसा हमने किया, और यहाँ पर से अभी देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा सबमिट होता है नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको करना है क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप लोग इसको जीवन प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट जो था वो कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग कोई इसको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपका यहाँ पर से प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। अगर आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए पर फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।